आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन टेलीविजन एक्टर मॉडल धीरज धूपर के सभी टेलीविजन सीरियल, म्यूजिक वीडियो और उनके वेब सीरीज के बारे में, जिन्हें स्पेशली जाना जाता है ससुराल सिमर का टीवी सीरियल में प्रेम भारद्वाज के किरदार से और कुंडली भाग्य टीवी सीरियल में करण लोथरा के किरदार से। तो अगर आप भी धीरज धूपर के सभी टेलीविजन सीरियल, वेब सीरीज और उनके म्यूजिक वीडियो के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। धीरज धूपर का जन्म 20 दिसंबर 1984 को दिल्ली में हुआ था। इनके पिता का नाम सुशील धूपर है। इनके दो भाई और एक बहन है। और अगर उनके एजुकेशन के बारे में बात करें तो इन्होंने फैशन डिजाइनिंग में डिप्लोमा किया हुआ है। और अगर उनके पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो इन्होंने 16 नवंबर 2016 को दिल्ली में विनी अरोड़ा के साथ शादी कर ली थी। इन दोनों की पहली मुलाकात माता पिता के चरणों में स्वर्ग है टीवी सीरियल के सेट पे हुई थी। इसके बाद 10 अगस्त 2022 को इन दोनों का पहला बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम जियान है। अब हम धीरज धूपर के सभी टेलीविजन सीरियल के बारे में बात कर लेते हैं। तो धीरज धूपर ने अपने टेलीविजन करियर की शुरुआत 2009 में माता पिता के चरणों में स्वर्ग है टीवी सीरियल के साथ अपने कैरियर की शुरुआत की थी, जिसमें उन्होंने अंश त्रिपाठी का रोल प्ले किया था, जो कि 2010 तक चली थी। इसके बाद 2010 से 2011 में बहने टीवी सीरियल में भावेश पटेल का रोल प्ले किया था। इसके बाद 2011 में मिसेस तेंदुलकर में सुशांत का रोल प्ले किया था। और इसी साल 2011 में जिंदगी कहे स्माइल प्लीज टीवी सीरियल में शिखर का रोल प्ले किया था। इसके बाद 2012 में कुछ तो लोग कहेंगे टीवी सीरियल में अमर का रोल प्ले किया था। इसके बाद 2013 से 2017 में ससुराल सिमर का टीवी सीरियल में प्रेम भारद्वाज का रोल प्ले किया था। इसके बाद 2014 से 2016 में बॉक्स क्रिकेट लीग के सीजन 2 में एज ए कंटेस्टेंट नजर आए थे। इसके बाद 2016 में सुहागी सिंदूर में ध्रुव का रोल प्ले किया था। इसके बाद 2017 से 2022 में कुंडली भाग्य में करण लोथरा का रोल प्ले किया था। इसके बाद 2019 में सारे गमा पा को होस्ट किया था। और इसी साल 2019 में DID बैटल ऑफ द चैंपियंस को होस्ट किया था। इसके बाद 2022 में झलक दिखला जा के 10वें सीजन में एज ए कंटेस्टेंट नजर आए थे। और इस सीजन में उन्होंने 15वां स्थान प्राप्त किया था। इसके बाद 2022 से 2023 में शेर दिल शेर गिल में राजकुमार यादव का रोल प्ले किया था। और इसके बाद 2023 में यानी अभी के समय में सौभाग्यवती भव, नियम और शर्तें लागू है टीवी सीरियल में राघव जिंदाल का रोल प्ले कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ और टेलीविजन सीरियल में इनका स्पेशल अपीयरेंस रहा है, जैसे कि 2013 में नजर आए थे मधुबाला एक इश्क एक जुनून में। इसके बाद 2014 में नजर आए थे बेइंतहा और बिग बॉस के 8वें सीजन में। इसके बाद 2015 में नजर आए थे स्वरागिनी जोड़े रिश्तों के सुर में। इसके बाद 2016 में नजर आए थे कॉमेडी नाइट्स बचाव में। इसके बाद 2017 में नजर आए थे एंटरटेनमेंट की रात में। इसके बाद 2017-2018 में नजर आए थे कुमकुम भाग्य में। इसके बाद 2019 में नजर आए थे हैवान द मोनेस्टर में। इसके बाद 2020 में नजर आए थे नागिन के 5वें सीजन में। इसके बाद 2021 में नजर आए थे इंडियन प्रो म्यूजिक लीग में। और इसी साल 2021 में भाग्य लक्ष्मी में नजर आए थे। और अगर हम धीरज धूपर के म्यूजिक वीडियो के बारे में बात करें तो इन्होंने 2020 में बिहा नहीं करूंगा, मेरा दिल, हमको तुम मिल गए, 2021 में जो किया, 2022 में कफन। और अगर हम उनके वेब सीरीज के बारे में बात करें तो 2023 में तत्लुबाज वेब सीरीज में इन्होंने काम किया है, जिसमें उन्होंने बुलबुल त्यागी का रोल प्ले किया है। तो धीरज धूपर की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिख करके जरूर बताना। और धीरज धूपर की कौन सी टीवी सीरियल आपको सबसे ज्यादा पसंद है और कौन से टीवी शो में आपने सबसे पहले धीरज धूपर को देखा था, इसे भी कमेंट में लिख करके जरूर बताना। और ऐसे ही अपने फेवरेट टीवी एक्टर और एक्ट्रेस की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। वहां पर इस तरह की बहुत सारी वीडियो पहले से अपलोड है, तो जाइए उन्हें देखिए और एंजॉय करें। मैं मिलता हूं आपसे किसी और नई वीडियो में।